सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज बांधे से पखांजूर जाने के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दो दिन पूर्व विद्युत विभाग के ठेकेदार के लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हुआ था, दो मजदूर घायल हुए थे। मुआवजा की मांग को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज एवं ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दी। इनका मांग है कि मृत गरीब मजदूर परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं घायल मजदूर परिवार को 10-10 लाख दिया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाए। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक भोजराज नाग पहुंचे, समर्थन देने जमकर नारेबाजी की और कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे, इसका जवाबदेही शासन प्रशासन होंगे। नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया। पखांजूर से पिपला कुंडू की रिपोर्ट। बताइए आज किस विषय पर चक्का जाम किया? 29 तारीख को ग्राम मड़ोरा में बिजली विभाग के ठेकेदार और बिजली विभाग के द्वारा मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा था, जिसमें घोर लापरवाही हुआ। यहाँ पे एक परदु राम जिनका मृत्यु हो गया लापरवाही कारण, उसको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो घायल है जिसमें नाबालिग बच्चे भी हैं उनको बिजली विभाग के ठेकेदार के द्वारा काम कराया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम इसका निंदा करते हैं और सरकार से और बिजली विभाग से मांग करते हैं कि इनको 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। यदि हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आने वाला समय हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो उन्होंने दुरुस्त करने के बाद बोली और मेरे को बोले कि ठेकेदार को मैं बताता हूँ, और वास्तव में 15 दिन के बाद 29 तारीख को वो काम ठेकेदार द्वारा काम करवा रहा था, वहाँ पे मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद जब पोल गाड़ रहे थे उस समय मैंने कहा 11 KV ऊपर 75 के लिए गया है और मरुड़ा बाजार पारा के लिए गया है, जिसमें लग सकता है, इसको देखते हुए काम करना। ठेकेदार और ठेकेदार के लोग और जो मजदूर है उन लोग भी थे, उनको भी बताया गया था। मेरे जाने के बाद इन लोग तार खींच रहे थे, उसके बाद उस तार खींचते समय जो 11 KV के जो तार में टच होने के कारण उसमें चपेट में आने के बाद एक की मृत्यु हो गया और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसका आज तक की ना मुआवजा में कोई मतलब ये हुआ और ना ही कोई इलाज का, जिसके कारण हम लोग नाराजगी होकर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसी कारण हम लोग आज रोड में बैठना पड़ा। और इसे दोषी मानते हैं? जी, दोषी दोनों को मानते हैं। जो सबसे लापरवाह, तो देखिए ठेकेदार पीछे की बात आता है, लेकिन सबसे पहले तो विभाग की लापरवाह है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम चाहते हैं उन जिस पर दोषी पाए जाते हैं उन पर उचित कार्रवाई हो, जिन पर सजा हो, और जो जो लोग हैं पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। और नहीं होता है तो आगे चलकर सर्व आदिवासी समाज और जितने भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं और जनता को लेकर मैंने अगले अगर इस पर अगर 15 दिन के हम अल्टीमेटम दे रहे हैं और 15 दिन के भीतर अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो SDM कार्यालय घेराव करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं होता है तो कलेक्टर घेराव करेंगे।